दोस्तों, रामायण में श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है, पर फिर भी श्री राम की कई बार आलोचना की जाती है। उन्होंने अपनी गर्भवती पत्नी का त्याग करके उन्हें वन में भेज दिया था, ये एक सवाल लोग करते हैं। परंतु ऐसा क्या हुआ कि अपनी पत्नी को इतना प्रेम करने के पश्चात भी श्री राम को देवी सीता का त्याग करना पड़ा? आइए कुछ ऐसे तथ्यों पर नज़र डालते हैं जो बताएंगे कि श्री राम ने सीता जी को वन में क्यों भेजा। जी हाँ, जो बिना पढ़े सवाल करते हैं खास करके उन तक भी पहुंचना चाहिए। अयोध्या के राजा बनने के बाद एक दिन श्री राम वेश बदल करके अयोध्या में भ्रमण करने के उद्देश्य से निकले। इस तरह से वह अपनी प्रजा का हाल जानना चाह रहे थे। भ्रमण करते हुए श्री राम ने देखा कि एक धोबी अपनी पत्नी को क्रोध भरे शब्दों में कह रहा था कि मैं राम नहीं हूँ जो दूसरे के पास रही पत्नी को स्वीकार कर लूँ। देवी सीता रावण द्वारा हरण किए जाने से पहले ही बदली जा चुकी थी तथा जब माया सीता ने अग्नि परीक्षा के लिए अग्नि में प्रवेश किया तो वह अग्नि में विलीन हो गई थी और देवी सीता पुनः श्री राम के साथ आ गई थी। श्री राम और देवी सीता के अलावा इस बात से कोई भी अवगत नहीं था। उस धोबी की बात सुन करके श्री राम बहुत दुखी हुए। तब उनकी व्यथा देख करके सीता माता ने खुद वन में जाने की इच्छा जताई, जिसे श्री राम ने होनी समझ करके मान लिया था। जी हाँ, जिसका एक और उदाहरण है कि पत्नी ने पति के मान के लिए ऐसा काम किया। क्यों? क्योंकि उस समय पर राज धर्म जो था वो बड़ा था। राजा का विश्वास जो है वो बहुत ज़रूरी होता है प्रजा का। जी हाँ, प्रजा अगर राजा पर विश्वास न करे तो उसके दंड विधान पर, उसके न्याय पर सवाल खड़े करती है और फिर वो राजा सही नहीं हो पाता है प्रजा के लिए, और फैमिली से ज़्यादा वहाँ पर तरजीह देना होता है पूरी प्रजा का, क्योंकि एक राजा के लिए पूरी प्रजा एक फैमिली होती है। श्री राम ने लक्ष्मण जी को कहा कि वे देवी सीता को वन में छोड़ करके आएं। जब लक्ष्मण जी देवी सीता को वन में छोड़ने गए तो वह उन्हें ऐसे अकेला वन में छोड़ करके वापस जाने से आनाकानी कर रहे थे। तब देवी सीता ने लक्ष्मण जी को आदेश दिया कि वह उन्हें छोड़ करके चले जाएं और किसी को न बताएं कि वो कहाँ हैं। जब श्री राम ने अश्वमेघ यज्ञ करवाया तो उनके पुत्रों ने अश्वमेघ का घोड़ा पकड़ लिया। इस तरह से लवकुश के जरिए श्री राम और देवी सीता की फिर से मुलाकात हुई। इस घटना के बाद श्री राम सीता जी को अपने साथ वापस अयोध्या ले जाना चाहते थे, परंतु देवी सीता ने उन्हें बदनामी से बचाने के लिए वापिस जाने से मना कर दिया। जब श्री राम और लक्ष्मण जी ने देवी सीता पर अयोध्या चलने के लिए जोर डाला तो वह धरती में समा गए। लेकिन इससे भी आगे कुछ है जो कि लीला समझना है। कहा जाता है कि ये सारी भगवान की लीला थी, तो इसमें आगे लीला क्या थी, क्यों गई माता सीता एक्चुअल में वन, अब इसको समझना है। बच्चों का पालन पोषण जरूरी था और सही शस्त्र और शास्त्र ज्ञान जरूरी था, और ये कहाँ मिलता? गुरु वशिष्ठ जी के पास। और जंगल में सीता जी कहाँ रही? वशिष्ठ जी के पास। वहाँ पर ही बच्चों ने सारी विद्याएं सीखी, अर्जित की। और कोई भी पिता जो होता है वो ये चाहता है जब दुनिया से जाएगा तो उसके बेटे को परेशानी किसी तरह की न हो और दुनिया में किसी भी प्रकार के लोग जो हैं वो सताए नहीं। तो आपने देखा होगा कि जब लवकुश ने घोड़े को रोका, जो यज्ञ का घोड़ा था, तो युद्ध हुआ और सबको हराया हुआ दिखाया गया। तो अगर राम ने धरती के सारे अततायियों को ख़त्म किया, यानी कि श्री रामचंद्र जी ने धरती के सारे योद्धाओं को हराया, और उनको हराया किसने? लवकुश ने। तो अब सोच करके देखिए, मतलब कि राम जी की सारी सेना को, राम जी को नहीं हराए लेकिन युद्ध हुआ, लेकिन पूर्णतः सेना को तहस नहस कर दिया, तो ये हार मानी गई। तो अब सोचने वाली बात है कि दूसरा साहस कैसे करता उनके सामने लड़ने का आगे, जब राम जी नहीं थे, लवकुश राज्य संभाल रहे हैं, तो कैसे कोई साहस करता? किसको हराया है? श्री रामचंद्र जी को। तो ये भी एक लीला ही है, भगवान की लीला है, जो कि बच्चों का पालन पोषण करना है, दूरी दिखानी है, न जानते हुए हराना दिखाना है, ताकि बाकी साइकोलॉजिकली पूर्णतः राज्य पर फर्क पड़ेगा, आगे राम राज्य कायम रहेगा, जितने तक के आगे तक का वो बंदोबस्त करके गए थे, ये भी समझने की बात है। तो यह आज की स्टोरी रही आप सभी के लिए, प्रेम से कमेंट में लिखिए। जय श्री राम। फिलहाल विदा लेते हैं आज की इस वीडियो से, जुड़ेंगे नई वीडियो में नई कथा के साथ। तब तक आनंदित रहें, प्रेम से बोलें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।